इसको दोनों अंडों को इस तरह से निकाल लूँगी मैं। इसमें थोड़ा सा नमक ऐड करूँगी, थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर ऐड करूँगी, थोड़ा सा ही ऐड करेंगे क्योंकि हम ये बच्चों के लिए बना रहे हैं। अब मैं इन सबको मिक्स कर लूँगी अच्छे से। मेरा मिक्स हो चुका है। ये मैंने नॉर्मल आटा लिया जो हम रोटियां बनाते हैं उसका आटा। आप मैदे के साथ गूंदना चाहते हैं तो आप मैदे के साथ गूंद सकते हैं, पर मैंने ये हेल्दी तरीके से बनाया तो मैंने आटा ही यूज़ करना अच्छा समझा। मैं इसे रोटी की तरह बेल लूँगी, ना मोटा ना पतला। ये देखिए, मैं एक रसोई एक तवा रख दिया है, उस पर ये रोटी डाल दूँगी। मैं एक साइड से सेक लूँगी अच्छे से। अब मैं इस साइड से भी सेक लूँगी, ये दोनों तरफ से। हम तवा अपना हल्का ही रखेंगे, हमें अपनी रोटी तेज़ नहीं करनी है। इसे पराठे की तरह बना लेंगे। हल्का सा घी लगाएंगे हम इस पर। अब ये एक साइड से हमारा सिक चुका है। ये हमने अंडे का बैटर जो बनाया था, मैं इसको धीरे धीरे इस पर लगा दूंगी अपने एक साइड पे रोटी पे। अब मैं इसमें टमाटर चॉप किए हुए और ऑनियन चॉप किए हुए भी डालूंगी। ये मैं बच्चों के लिए बना रही हूँ तो मैंने हरी मिर्च स्किप की है, आप अगर डालना चाहते हैं तो डाल सकते हैं। ये ऑनियन और टमाटर मैं इस तरह से ऐड कर दूँगी इसमें। और हमें गैस का फ्लेम स्लो ही रखना है, इसे तेज़ नहीं करना, नहीं तो हमारा उस साइड से ज़्यादा तेज़ हो जाएगा। ये मैं इस तरह से इसे पलट दूंगी, हल्के हल्के इसको प्रेस करूंगी ताकि ये अच्छे से हो जाए। मैंने हल्के हल्के प्रेस करके इसको पलट लिया है। अब मैं इस पर देसी घी ऐड करूंगी थोड़ा सा कि ताकि इधर से भी ये अच्छे से सिक जाए हमारा। मैंने इसको दूसरी तरफ से पलट दिया है। अब मैं इसको अच्छे से स्पून की मदद से प्रेस कर लूँगी थोड़ा थोड़ा इस तरह से, और ये हमारा रोल बन के रेडी है। आप बच्चों को इस तरह से देना चाहती हैं तो इस तरह से भी दे सकती हैं। ये मैंने मेयोनीज ली है और सॉस ली है दोनों।